एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस आपको ये सुनकर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।